एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन होम एंड रेसिपीज विद नीना। मैं हूं नीना और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं पंजाब की फेमस अमृतसरी मसाला उड़द दाल बड़ी की रेसिपी, जिसको बनाना तो बेहद आसान है, बस तेज़ धूप होनी चाहिए। इसीलिए ख़ास तौर पर इस बड़ी को ना मई या जून के महीने में ही बनाया जाता है। इसे एक बार बना करके हम साल भर इसकी रेसिपीज बना के खा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये मसाला बड़ी कैसे बनती है। मसाला उड़द दाल बड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है धुली उड़द दाल 1 किलो, क्योंकि मैं एक ही साथ ज़्यादा बड़ियाँ बना करके पूरे साल के लिए स्टोर करके रख लेती हूँ। मार्केट में मिलने वाली जो बड़ियाँ होती हैं ना, चाहे खुली हो या पैकेट बंद हो, आपको कहीं ना कहीं मिट्टी या धूल जैसी चीज़ें नज़र आ ही जाती हैं, तो इसीलिए मैं एक साथ ज़्यादा बड़ियाँ बना लेती हूँ। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लिया है और इसमें मैं इस दाल को भीगने के लिए रखूँगी। भीगने के लिए आप किसी बड़े बर्तन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दाल जैसे जैसे पानी सोख करती है वैसे वैसे ये डबल होती जाएगी। तो इसमें पानी भी ज़्यादा ऊपर तक भर देना है ताकि बढ़िया सा ये पानी को सोख कर सके। अब ये देखिए, इसका जितना भी ऊपर थी उसे भी मैं इस तरीके से नीचे बैठा दूँगी दाल को, और अब इसे मैं कवर करके लगभग 6 से 8 घंटे के लिए रख दूँगी। ये देखिए, इस दाल को भीगे हुए 6 से 8 घंटे हो चुके हैं। अब मैं चेक कर लेती हूँ, तो आप देख सकते हैं इस दाल के ऊपर हल्का हल्का सा जो झाग दिख रहा है ना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब इस दाल को ज़्यादा देर के लिए भिगोते हैं, यानी कि 6 से 8 घंटे के लिए, तो इस तरीके का झाग आ ही जाता है। इसे जब हम अच्छे खुले पानी में धोएंगे तो इसका झाग भी निकल जाएगा, और इस दाल में अगर हल्की सी महक आ गई हो तो वो भी निकल जाएगी। तो ये देखिए, दाल बहुत ही बढ़िया तरीके से ये भीग चुकी है। अब इसे मैं खुले पानी में धो लूँगी। तो इस तरीके से मैंने दाल को अच्छे से बढ़िया से धो लिया है। अब इसमें किसी भी तरह का कोई झाग या महक नहीं है। अब इस दाल के लिए मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ। तो मसालों में मैंने सबसे पहले ले लिया है यहाँ पर धनिया। कितनी क्वांटिटी में ले रही हूँ तो आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। काली मिर्च, सौंफ, साबुत जीरा, पिसी हुई काली मिर्च, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी मोटे तौर पे काटी है, क्योंकि आपने देखा होगा अमृतसरी जो बढ़िया होती है ना, उसमें इसी तरीके की मोटी मोटी आपको मिर्चें नज़र आएंगी। अगर कम मिर्च खाते हैं तो कम भी ले सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर हींग ले ली है, और यहाँ पर ले ली है 3 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची। यहाँ पर साथ में आप लौंग, दालचीनी या फिर पीपर, इस तरीके के मसाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन मसालों को मैं हल्का सा सेक लगाऊंगी। आप चाहें तो इसे धूप भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि मसालों में कुरकुरापन तो आ ही जाएगा और हल्का सा इनका टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पर मैं हल्का सा इन्हें सेक लगा रही हूँ। तो जितने भी साबुत मसाले थे इनको मैंने इस तरीके से डाल दिया है, और इन्हें मैं अब लो फ्लेम पर हल्का हल्का सा सेक लगाऊंगी लगभग 1 मिनट के लिए। ये देखिए, 1 मिनट हो चुका है, और इसमें मैंने जो काली बड़ी इलायची थी उसके छिलके निकाल दिए हैं और उनके बीज को भी साथ ही मैं भून लिया है। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है, इसे मैं हल्का ठंडा होने दूंगी। हल्का ठंडा हो चुका है, अब इन्हें मैंने ब्लेंडिंग जार में डाला है और बिल्कुल हल्का सा ब्लेंड करना है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने ब्लेंड हुए हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें धनिया हो गया, काली मिर्च हो गई, कई आपको साबुत भी नज़र आ रहे होंगे, मतलब कि बिल्कुल लाइट सा ब्लेंड करना है। ये देखिए, इसमें जो साबुत मसाले हैं ना, उसी का ही टेस्ट इस मसाला बड़ी में ज़्यादा आता है, तभी तो इसे मसाला बड़ी कहते हैं। तो मसाले ज़्यादा बारीक नहीं करने हैं। अब मैं दाल को पीस लेती हूँ। तो दाल को पीसने के लिए मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ फूड प्रोसेसर का। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आप उसी में ही दाल को पीसिएगा। इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा दाल को आप एक साथ पीस सकते हैं, और दूसरा फ़ायदा है कि इसमें दाल पीसते के साथ साथ में फिटती भी जाती है, क्योंकि जब भी हम बड़ियों के लिए दाल को बनाते हैं तो उसे फेंटते भी हैं। तो इसमें क्या होता है कि एयर पास होती जाएगी साथी के साथ, और साथी के साथ दाल पीसती भी जाएगी और फिटती भी जाएगी। कैसे,
चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसे लगा दिया है और ऊपर से इसका ढक्कन को हटा देना है। ढक्कन को हटाते ही इसमें एयर पास होना शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं दाल में बबल्स सामने सामने नज़र आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, दाल पिस भी रही है और साथ में फिट भी रही है, तो दोनों ही काम एक ही साथ हो रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास नहीं है फूड प्रोसेसर तो आप मिक्सर ब्लेंडिंग जार में भी पीस सकते हैं, बस उसमें फिर आप पीसने के बाद में दाल को बढ़िया सा फेंट लीजिए। अब ये देखिए दाल जब हम इसे पीस रहे थे तो किनारों पर साबुत दाल आ जाती है, तो उसे भी इस तरीके से मिक्स कर लेना है, क्योंकि इस बड़ी को जब बनाते हैं ना तो साबुत दाल नहीं रहनी चाहिए, सारी दाल बिल्कुल एक सार होनी चाहिए। तो इसे ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसे भी मैं ब्लेंड कर लूँगी। और ये देखिए कितनी बढ़िया सी दाल पीस के तैयार हो चुकी है, पीसी तो है ये, साथ में ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फेंट भी चुकी है, कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसी तरीके से अब मैं सारी दाल को पीस लूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर सारी दाल को पीस लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दाल पीसने के साथ साथ में कैसे फेंट रही थी। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी में पानी लिया है और इसमें मैंने इस दाल को डाला है। आप देख सकते हैं कि ये दाल उठकर के ऊपर को आ गई है, यानी कि बहुत ही बढ़िया तरीके से ये दाल फ्लफी हो चुकी है, तो इसे हमें फेंटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ायदा है फूड प्रोसेसर का। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं यहाँ जो मसाले तैयार किए थे, उन्हें मैंने इस दाल में डाल दिया है। साथ में मैंने यहाँ धनिया पाउडर जो लिया था वो डाल दिया है, साथ में काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग, अब इन मसालों को दाल में बढ़िया सा मिक्स कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने आधी कटोरी के आसपास साबुत धनिया ले लिया है और इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी, साथ में साबुत काली मिर्च भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये मसाला बड़ी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मसाले होंगे तो ये बड़ी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए अब मैं इन सारे मसालों को बढ़िया सा मिक्स कर लेती हूँ। और ये देखिए सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं और ये बिल्कुल दाल अब तैयार है बड़ी बना। तो बढ़िया बनाने के लिए जितनी बड़ी आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से दाल को ले लेना है। अंगूठे से हल्का सा इसे अंदर को इस तरीके से दबाना है, इससे क्या होगा इसमें एयर पास होगी और एयर पास होने की वजह से ये जल्दी से एक तो बड़ी सूख जाएगी और दूसरा फ्लफी भी बनेगी। और अब इसे उल्टा करके इस तरीके से रख देना है और ऐसे ही मैं बाकी की बड़ियाँ भी तैयार करूँगी। तो इस तरीके से मैंने ये सारी बड़ियां बना के तैयार कर ली हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी सारी बड़ियां बन के तैयार हो चुकी हैं सिर्फ 1 किलो दाल से। और अब इन्हें कम से कम 4 से 5 दिन की बढ़िया सी धूप दिखानी है, इन्हें अच्छे से सुखा लेना है। और जब इन्हें सूखते हुए कम से कम 6 से 8 घंटे हो जाए ना, तो इन्हें पलट करके हमें दूसरी तरफ से भी सुखाना होता है। तो यहाँ पर देखिए 6 से 8 घंटे हो चुके हैं इसे सूखते हुए। अब इसे पलट करके मैं इस तरीके से, ये देख सकते हैं नीचे से हल्की सी गीली है, तो इसे पलट के अगर हम इस तरीके से सुखाएंगे तो ये जल्दी सूखती हैं। अब ये देखिए बढ़िया सूख के तैयार हो चुकी हैं, 4 से 5 दिन की अच्छी धूप इनमें लग चुकी है और ये बिल्कुल बढ़िया से अमृतसरी पंजाबी मसाला बड़ी बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने बढ़िया तरीके से सूखी है। ये देखिए कितनी कुरकुरी और बिल्कुल अंदर तक सूख गई है। अगर ज़्यादा बढ़िया सा ना सूखी हो तो आप इसे और भी धूप लगवा सकते हैं। आपको मैं इसकी आवाज़ सुनाती हूँ कि ये कितनी बढ़िया सा सूखी है। तो देखिए इस तरीके से ये बढ़िया सूख चुकी हैं। अब इन्हें किसी भी एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं और पूरा साल इसकी रेसिपीज बना के खा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर धूप नहीं आती हो तो आप इसे माइक्रोवेव में भी सुखा सकते हैं, लेकिन जो माइक्रोवेव में सूखी हुई बड़ी होती है ना
उसका टेस्ट उतना नहीं होता है जितना धूप में सूखी हुई पड़ियों का होता है। तो आप कोशिश करें कि इन्हें धूप में ही सुखा करके बनाएं, लेकिन ऑप्शन ना हो तो आप माइक्रोवेव में भी सुखा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मसाला बड़ी रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।